Welcome student, I am Sarita Bhardwaj. Today we continue the fourth unit, Chemical Bonding from 11th class. Today our topic student, Geometry or Shape of the Molecule, based on the Vesper Theory. Student, last video में हमने discuss किया था Vesper Theory के बारे में, detail में हमने उसके postulates को discuss किया था, और आज उसी के basis पर हम क्या निकालेंगे, Geometry और Shape of the Molecule. सबसे पहले student, हमें पता होना चाहिए, what do you mean by the shape or geometry? शेप और ज्योमेट्री क्या होता है स्टूडेंट? डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स इन द सराउंडिंग ऑफ द सेंट्रल एटम. अब जैसे स्टूडेंट कुछ मॉलिक्यूल कैसे होते हैं लीनियर, कुछ हमारे पास कैसे होते हैं टेट्रा हेड्रल, कुछ को हम नाम दे देते हैं स्क्वेयर प्लेनर या किसी को ट्राइगोनल प्लेनर, कोई शेप हमारे पास आ जाती है स्टूडेंट ऑक्टा हेड्रल. तो जो ये डिफरेंट हमारे पास शेप हैं ज्योमेट्री हैं वो किसकी वजह से आती हैं कि जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम हैं किसके सराउंडिंग में, सेंट्रल मेटल की सराउंडिंग में, उनकी अरेंजमेंट कैसी है. मींस अगर आपके पास सेंट्रल एटम ए है और उसकी सराउंडिंग में दो एटम हैं बी, वो इस तरह से अरेंज हैं, तो मींस इनके बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री, तो शेप मेरे पास कैसी होगी, सीधी मींस लीनियर. लेकिन अगर ए हमारे पास सेंट्रल एटम है और बी उसकी सराउंडिंग में इस तरह से चार हैं और इस तरह से अरेंज हैं, तो हमारे पास ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल. ऐसे ही स्टूडेंट हम ट्राइगोनल प्लेनर को दिखाएं तो हम ट्राइगोनल प्लेनर शेप को इस तरह से दिखाएंगे. ऑक्टाहेड्रल शेप को अगर दिखाने की कोशिश करें तो ये ए एंड दिस वन इज द ऑक्टाहेड्रल शेप, इस तरह से एक बॉन्ड ऊपर और एक नीचे. तो जो ये डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं एटम की, ग्रुप ऑफ एटम की इन द सराउंडिंग ऑफ सेंट्रल एटम, वही हमें क्या देती है, उसकी शेप और ज्योमेट्री. तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट इसी टॉपिक को, और इसके लिए फिर हमने यहाँ टेबुलर फॉर्म लिया. फर्स्ट हम लेंगे मॉलिकुलर टाइप, फिर हमने लिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन द सराउंडिंग ऑफ सेंट्रल एटम. थर्ड कॉलम में है स्टूडेंट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर के, वो कैसे अरेंज होंगे जैसे मैंने इसमें शो किया आपको. फिर उससे हम क्या निकालेंगे, उसकी शेप या फिर ज्योमेट्री. बोंड एंगल, जैसे मैंने इसमें आपको बताया कि यहाँ पर कितने का बोंड एंगल है 180, तो हर एक ज्योमेट्री के साथ हर एक शेप के साथ बोंड एंगल क्या करेगा, वेरी. और फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द सुटेबल एग्जांपल. अब स्टूडेंट हम सबसे पहले यहाँ पर लेकर चलते हैं मॉलिकुलर टाइप. जैसे मैंने लिया ए बी टू टाइप, ए यहाँ पर सेंट्रल एटम है स्टूडेंट, और जो B है वो हमें किसको इंडिकेट करता है, बोंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को. तो ये इंडिकेशंस आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट. A किसके लिए हम यूज़ करेंगे, सेंट्रल एटम के लिए, और जो B है हमारे पास वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, बोंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को. तो फर्स्ट मॉलिक्युलर टाइप है AB2. अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम यहाँ पर कितने हो जाएंगे, टू, क्योंकि बी क्या है, बोंड पेयर, और बोंड पेयर हमने कितने लिए, दो, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो जाएंगे, टू. नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर. अब मैं आपको कहूँगी कि जो वेस्पर थ्योरी थी उसके एक पोस्टुलेट को आप ध्यान रखो. मैंने आपको उसमें लास्ट वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरह से अरेंज करेंगे एक दूसरे को इतने डिस्टेंस अपार्ट पर कि उनके बीच में रिपल्शंस कम हो और उनके बीच में स्टेबिलिटी ज़्यादा हो. तो अब दो हैं तो अगर मैं वैलेंस शेल को इस तरह से स्फेरिकल मानती हूँ तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट कितने पर हो सकते हैं, दीज आर मैक्सिमम अपार्ट एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री. बीच में हमने किसको माना, सेंट्रल एटम ए को, फर्स्ट बोंड पेयर, एंड दिस इज सेकेंड बोंड पेयर एट एन एंगल ऑफ सेपरेशन ऑफ 180 डिग्री, ताकि रिपल्शंस कम हो और स्ट्रक्चर स्टेबल ज़्यादा हो. तो हम इस तरह से दिखाएंगे ए, ए की सराउंडिंग में यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर. अब यहाँ से अगर हम ज्योमेट्री निकालेंगे तो ज्योमेट्री हमारे पास कैसी जाएगी स्टूडेंट, 180 डिग्री एंगल. ज्योमेट्री हमारे पास इसकी वजह से कैसी आएगी, लीनियर. बोंड एंगल अभी हमने बता ही दिया 180 डिग्री. एग्जांपल अगर हम इसमें डिस्कस करें स्टूडेंट तो कौन कौन से हो सकते हैं, सेंट्रल एटम एक है और सराउंडिंग में दो अदर एटम, तो एग्जांपल लिया मैंने BeF2, ऐसे ही BeCl2 ले सकते हो आप, बोरोन हाइड्राइड BeH2 ले सकते हो,
जिंक क्लोराइड हो सकता है, मरकरी का क्लोराइड हो सकता है। इस तरह के जितने भी हमारे पास एग्जाम्पल होंगे वो सब किस में आएंगे, Ab2 टाइप ऑफ। अब स्टूडेंट फर्स्टली हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं BeF2 के स्ट्रक्चर को या शेप को। इन BeF2 स्टूडेंट जो हमारे पास सेंट्रल एटम है वो कौन है, Be। अब Be का एटॉमिक नंबर कितना है, 4। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास कितना आएगा स्टूडेंट, 2, 2। तो इट मींस देयर आर द 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। तो मैंने लिखा 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये शेयर्ड किए जाएंगे किससे, 2 फ्लोरीन से, Be फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, सेकेंड। अब ये शेयर किससे करेगा, फ्लोरीन से। अब हमें पता है स्टूडेंट फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 2, 7। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, मीन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। ऐसे ही इस फ्लोरीन में भी कितने हैं, 7। अब स्टूडेंट ये शेयर करेगा इसको, क्लियर। अब कितने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पर, 2, दैट आर शेयर्ड बाय द Be। अब उसकी वजह से जो शेप यहाँ पर आएगी दैट शुड बी लीनियर विद बॉन्ड एंगल ऑफ 180 डिग्री। ऐसा ही हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि जितने भी ये होंगे मॉलिक्यूल सबकी शेप कैसी होगी, लीनियर। तो जैसे स्टूडेंट मैंने BeF2 के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया, वैसे ही हम किसके स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं रिमेनिंग एग्जाम्पल्स के। अब स्टूडेंट हम यहाँ डिस्कस करेंगे सेकेंड मॉलिक्यूलर टाइप, मीन्स Ab3। एक सेंट्रल एटम है और उसकी सराउंडिंग में क्या है, 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने निकल कर आए यहाँ से स्टूडेंट, 3। अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर किस तरह की होगी, सेंट्रल एटम ए। अब इसकी सराउंडिंग में स्टूडेंट हम इस तरह से इन तीनों को अरेंज करेंगे। ऐसा क्यों किया, ताकि इनके बीच का मैक्सिमम एंगल ऑफ सेपरेशन रहे। अगर मैं यहाँ से एंगल ऑफ सेपरेशन इनका निकालती हूँ या बॉन्ड एंगल निकालूंगी स्टूडेंट, तो दिस इज नियरली 120 डिग्री। अब इससे ज़्यादा तो अपार्ट ये जा नहीं सकते, पहला बॉन्ड पेयर, दूसरा और ये तीसरा। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द वेस्पर थ्योरी कि दे आर मैक्सिमम अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो मैक्सिमम एंगल अपार्ट कितना हो सकता है, 120। तो उसकी वजह से जो हमारे पास यहाँ पर शेप बनेगी, ये किसकी शेप है स्टूडेंट, ट्राइगोनल। और तीनों के तीनों जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो विद इन द प्लेन है, मीन्स एक ही प्लेन के अंदर है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेन। आप इसको ये भी समझ सकते हैं स्टूडेंट के विद इन द प्लेन ऑफ बोर्ड ही आपके ये तीन एंगल हैं, सॉरी तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इसीलिए इसकी शेप कैसी है, प्लेनर। ट्राइगोनल की शेप में है इसीलिए नाम क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल कितने का, 120 डिग्री। एग्जाम्पल स्टूडेंट जैसे हम ले सकते हैं बोरोन ट्राईफ्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड। अब स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ शेप किसकी, BF3, तो सेंट्रल एटम बोरोन विद एटॉमिक नंबर 5, 2, 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने निकल कर आए यहाँ से, 3। अब बोरोन 1, 2, 3। अब इन तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वो किसके साथ शेयर करेगा, 3 फ्लोरीन्स के साथ, फर्स्ट सेकेंड फ्लोरीन और थर्ड फ्लोरीन। का भी बताया था एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली इन द थर्ड फ्लोरीन। अब जो बोरोन है वो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ पर शेयर कर रहा है, 3 को, तो हमने यही लिया है 1, 2, 3। अब कितने एंगल अपार्ट पर होंगे इस तरह से अगर हम इनको जोड़ें, तो यहाँ पर एंगल हमारे पास कितने का आ जाएगा, 120 डिग्री। एंड दैट रिजल्ट इन टू द फॉर्मेशन ऑफ द शेप और ज्योमेट्री दैट इज द ट्राइगोनल प्लेनर। ऐसे ही सेम मॉलिकुलर शेप हमें मिलेगी किसकी स्टूडेंट, AlCl3 की। इस तरह से हम उसको शो कर सकते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट, 13। तो हमारे पास 13 एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करूँ तो 2, 8, 3। अगेन लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 स्टूडेंट, 2, 8, 7। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। तो अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन को शो करें
तो इस तरह से इंडिकेट करेंगे। अगेन जो हमारे पास बोंड एंगल यहाँ से जाएगा वो कितने का जाएगा, 120, सो द शेप इज ट्राइगोनल प्लेनर। नाउ स्टूडेंट, अगर हम थर्ड टाइप डिस्कस करें तो वो क्या आ जाएगा, ए बी फोर। तो स्टूडेंट यहाँ पर सेंट्रल एटम ए है और उसकी सराउंडिंग में कितने बोंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 4 बोंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर कितने निकल कर आएंगे हमारे पास, 4। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर किस तरह से जाएगा स्टूडेंट, ए और उसकी सराउंडिंग में इस तरह से। यहाँ पर जो एंगल ऑफ सेपरेशन रहेगा वो नियरली 109.5 डिग्री। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन पेयर। इस तरह से अगर ज्योमेट्रिकली इसको अरेंज करें हम, तो जो ये हमारे पास शेप बनती है स्टूडेंट, दैट इज द ज्योमेट्री और शेप इज टेट्राहेड्रल। बोंड एंगल कितना, 109.5 डिग्री। और इसमें बहुत सारे कॉमन एग्जांपल हैं स्टूडेंट, जैसे मीथेन हो सकता है, SiH4 सिलिकॉन का हाइड्राइड हो सकता है, फ्लोराइड भी ले सकते हैं इसका, या फिर अमोनियम आयन भी हो सकता है, NH4+, दैट इज़ द अमोनियम आयन। तो फर्स्टली अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट मीथेन का, तो कार्बन सेंट्रल एटम है विद एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 2-4, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4। तो कार्बन 1, 2, 3, 4। कितने हाइड्रोजन से जुड़ा है स्टूडेंट, 4 से, 1, 2, 3, 4। हर एक हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1। तो अब यहाँ पर कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, टोटल 8, मीन्स 4 बोंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 4 हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए, तो इट मीन्स जो हमारे पास CH4 की शेप आएगी वो इस तरह से आ जाएगी, ज्योमेट्री दैट इज टेट्राहेड्रल विद बोंड एंगल दिस वन। ऐसे ही स्टूडेंट हम किसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर सकते हैं, SiH4 का। अब इसमें हमारे पास क्या है, सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर स्टूडेंट हमारे पास इसका 14, 2, 8, 4, अगेन लास्ट वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसकी सराउंडिंग में क्या आ जाएंगे, 4 हाइड्रोजन विद टेट्राहेड्रल शेप विद बोंड एंगल ऑफ दिस वन। अगेन सिमिलरली इन दैट केस एंड इन अमोनियम आयन। नेक्स्ट मॉलिकुलर टाइप है स्टूडेंट हमारे पास AB5, मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन पेयर इन द सराउंडिंग ऑफ सेंट्रल एटम। अरेंजमेंट किस तरह से होगी स्टूडेंट, ताकि इनके बीच में मैक्सिमम क्या हों अट्रैक्शंस और मिनिमम क्या हों रिपल्शंस, ताकि स्ट्रक्चर कैसा हो जाए, स्टेबल। तो सेंट्रल एटम ए, 3 जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर है स्टूडेंट वो इस तरह से ट्राइगोनल प्लेनर शेप में अरेंज होंगे, और एक अबव द प्लेन हो जाएगा और एक किस तरह से बिलो द प्लेन। इसको स्टूडेंट हम इस तरह से समझ सकते हैं कि 3 हमारे पास बोंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से हैं और एक इस तरह से अबव द प्लेन ऑफ द पेपर, मीन्स अबव द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, और एक कैसे इस बोर्ड से नीचे की तरफ, मीन्स अगर मैं अपनी इस हथेली को या हाथ को इस तरह से कंसीडर करती हूँ, तो 3 तो इस तरह से हैं, एक इससे ऊपर की तरफ है और एक इस तरह से नीचे की तरफ है। तो इस तरह से हम किसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, शेप को। अब स्टूडेंट अगर हम ध्यान से इस ज्योमेट्री को देखते हैं, तो एक तो ये इस तरह से ट्राइगोनल शेप आ जाएगी, और अगर मैं इस तरह से इसको ज्वाइन कर दूँ, एक इधर और एक इधर, ऐसे ही यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, तो अगर आपने ध्यान से देखा स्टूडेंट, तो दिस वन इज द इस तरह से, दिस इज द ट्राइगोनल शेप विद बोंड एंगल 120। फिर क्या हुआ स्टूडेंट, एक पिरामिड तो इस तरह से बना और एक पिरामिड इस तरह से बनेगा, तो ये क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री और शेप। पिरामिडल तो समझते हो ना स्टूडेंट, इस तरह से जब हम बनाते हैं कि किसी का ब्रॉड बेस हो और ऊपर जाते जाते क्या हो जाए, नैरो। आपने 10th क्लास में किया होगा स्टूडेंट, एनर्जी पिरामिड्स किए थे, मास पिरामिड्स किए थे,
बायो के अंदर एक टॉपिक आता है, जैसे नीचे हमारे पास क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स, फिर हमारे पास कौन होते हैं, हर्बीवोर्स, फिर होते हैं कार्निवोर्स, फिर होते हैं ओमनीवोर्स और टॉप कार्निवोर्स। अगर आपको ध्यान है तो सबसे ज़्यादा अमाउंट प्रोड्यूसर्स का, खाना बनाने वालों का आता है, ग्रीन प्लांट्स वगैरह, उनको जो ईट करते हैं हर्बीवोर्स, वो कम हो जाता है कार्निवोर्स में, और कम हो जाता है, और जैसे ही ओमनीवोर्स में जाते हैं तो और भी कम। मीन्स एनर्जी लेवल गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव टॉप साइड। तो इस तरह का जब भी स्ट्रक्चर आता है तो हम उसको नाम क्या देते हैं, पिरामिड। तो यहाँ पर भी इस तरह से दो पिरामिड्स बने हुए हैं, इसीलिए नाम क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब स्टूडेंट अगर यहाँ पर हम बोंड एंगल देखेंगे तो दो बोंड एंगल मिलेंगे, एक 120 डिग्री और एक 90 डिग्री। मीन्स हमारे पास जो इस तरह से हैं उनके बीच में एंगल कितने का है, 120, और एक बोंड ऊपर है और एक बोंड कैसे है, नीचे। तो अगर मैं इसके साथ एंगल देखूं तो कितने का बनेगा, 90 डिग्री। एक और एंगल है स्टूडेंट यहाँ पर, दैट इज ऑफ 180 डिग्री। कैसे, जो आपका एक अबव द प्लेन है और बिलो द प्लेन एंगल, सॉरी बोंड है, मींस एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों के बीच में एंगल कितने का होगा, 180। तो देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ द बोंड एंगल, 120, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। इसमें एग्जांपल्स आ जाएंगे स्टूडेंट हमारे पास, जैसे PF5, PCL5, SBCL5 एंड मोर। एक चीज़ और ध्यान रखनी है स्टूडेंट आपको, हमने एक ही सराउंडिंग में इस तरह से बोन्स को दिखाया है, तो जो आपके पास ये तीन बोन्ड हैं इनको हम ई से डिनोट करते हैं, दीज आर इक्वेटोरियल। ऊपर और नीचे का जो बोन्ड होता है उनको हम किससे डिनोट करते हैं, ए से, दैट इज एक्सियल। ए इंडिकेट करता है एक्सियल बोन्ड को और ई इंडिकेट करता है इक्वेटोरियल बोन्ड्स को। एक और चीज़ आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, जो एक्सियल बोन्ड हैं वो लॉन्गर हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ द इक्वेटोरियल।